Welcome to my channel, this is Sam. I'm playing Elden Ring. So there are two. Let's see, this mausoleum compound. The mausoleum is just right beside one another. I don't know if I will ever use the remnants of this Horalu. Here.
sister. All for Horalu. We duplicated one for Malekith, for the other one. Shit. Okay, I did not die. Regal ancestor. Okay, need to find more massive mausoleums first. So for the next one, we are at Fort Church of Marika. There's another mausoleum here. Items. Maybe I need to for the last mausoleum. So you can see I have
four, sorry, two of all of them. So I can buy one of these. Giant Crusher and Fang, because physical damage is all we can do here. Yes, you heard me right. Physical damage is the only thing you can possibly do here. Okay, maybe I will take Blood Flame for the first stage, because Radagon is not that resistant to fire. One, because we are taking another body buff, that is some kind of fortification. मैंने खरीदा नहीं था शायद. हाँ नहीं नहीं खरीदा है. Golden lightning fortification greatly increases lightning resistance for self. No. Yeah, man.
कट सीन दिखाएगा ना, इसलिए बॉडी बफ ऑफ कुछ नहीं ले रहा हूँ पहले। आई विल जस्ट ट्राई लाइक विद द बेयर मिनिमम फर्स्ट, देन आई विल डिसाइड व्हाट टू बफ्स टू यूज एंड व्हाट बफ्स नॉट टू यूज। द फर्स्ट टाइम दिस कट सीन विल टेक ऑल द टाइम एंड टेक ऑल द buff effects. So this is the final boss. Yes, it's breaking apart. I think that was like a seal kind of, and it broke as soon as we entered that room. Don't worry, even at this level he is too powerful. He is like stupendously powerful. This last two bosses, this Radagon and Elden Beast, status humans and cannot be and no physical danger. Only physical damage works against them. Best, I would say. Physical damage works best against them. एटलीस्ट वो लाइटनिंग से तो बच पाऊंगा। ठीक है, इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो ठीक है भाई, हम लोग भी खिलाड़ी है। ऐसा नहीं है कि अपन मेलेनिया का कट सीन इससे बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा भी था। फास्ट अटैक करना पड़ेगा यार। इससे तो मेरा दिमाग खराब कर दिया अभी। इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है तो अपन भी इसको कहीं छोड़ेंगे। इसको छोड़ना ही नहीं है। हैवी लोड हो गया, देख रहे हो? I'm carrying two swords. और इस सबको हटाता हूँ। थोड़ा नॉर्मल वेट वाला लेता हूँ। इसका 51 है। ग्लव्स नहीं पहनूंगा तो भाई थोड़ी वो कुछ हो जाएगा।
डैमेज सेम मरेगा ना तू। एग्रो बहुत पावरफुल है, ठीक है, इसलिए तो भाई इतना सारा मैंने ये लिया है। प्रॉब्लम यह है कि दिस आर द लाइक लास्ट बॉसेस standard and flame grant me strength, but I'm not doing that. जंप अटैक के बारे में भूल ही गया। इसका पॉइस तोड़ना है। शील्ड लेके खेलूंगा ना तो वो जंप अटैक का ऐसे ही कम हो जाता है।
कर लेना चाहिए था तब। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा भाई। साला इतना लेवल ग्राइंड करके भी नहीं हो रहा, तो समझ रहे हो भाई इतना हार्ड है। अटैक करने से कोई नहीं रुकेगा, ठीक है ना। इसका एआर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन देख लेंगे।
रहता है यहाँ पे, हर बॉस का फॉर्म फैक्टर का हर बॉस का नहीं हुआ। डबल सूट से ही होगा लगता है मेरे को। उसके बाद एक बार अगर नहीं हुआ तो एक बार वो रिवर्स ऑफ ब्लड भी ट्राई करूंगा मैं, आई विल ट्राई रिवर्स ऑफ ब्लड आल्सो इफ दिस डजंट वर्क, बट आई विल कीप ट्राइंग। आ गया ना, इसको मैंने डैमेज दिया इतना, तो रिटेलिएट तो करेगा ना।
लास्ट आएगा ना अभी। दिस बॉस इज नॉट डेड मैन, अनदर बॉस कम्स आउट ऑफ दिस बॉस जस्ट लाइक फ्रॉम सॉफ्टवेयर गेम्स यू हैव सीन इन सेकिरो। पहले नादिया के मारा, फिर दादू आया, दादू ने फाइट किया, सेकेंड स्टेज मेन बॉस का हमेशा अलग ही होता है। सेकिरो में वो बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड है, मैंने बहुत ग्राइंड किया उसके बाद ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो प्रॉब्लम एंड एन बीस से एक ही है, स्टेटस, नथिंग वर्क्स अगेंस्ट दिस ओनली फिजिकल अटैक। ब्लड लॉस वेपन का कोई काम होगा नहीं, इतना मैंने गूगल पे सर्च करके पता किया। मुझे ब्लड लॉस का तो रेडागन का पता नहीं था, रेडागन डैमेज बाई ब्लड लॉस वेपन, देखते हैं इसमें ट्राई करते हैं। सो द बेस्ट वे टू किल दिस बीस्ट इज टू गो बिहाइंड इट्स लेफ्ट लेग एंड देन स्ट्राइक। Don't lock on to the beast when you are fighting close. पहले मेरे को हील कर लेना है क्योंकि ये लगेगा ही लगेगा, ऐसे कुछ लग रहा है मेरे को, छोड़ ही नहीं रहा। और मेरा साला माउस कीबोर्ड ऐसे टाइम पे खराब होता है ना और काम करना बंद कर देता है जब मैं बॉस फाइट कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस तो होता ही है वहाँ।
डिस्टर्ब जितना हो सके। कम हिल लेके इसको खत्म करना है। एटलीस्ट अगर मेरे पास 10 हिल बच गया सिलेक्ट करने में टाइम लग जाता है। कहाँ था वो, एक्सेलरेशन नीचे है और ये एकदम ऊपर। स्टैंडर्ड मार लूँगा we
एक हिट का था वो, एक हिट का था. दिस वॉज लाइक द बेस्ट टिल नाउ. सो आई हैव टू यूज द ब्लड एक्सल्टेशन, टेक द सिप्पू, यूज द सिप्पू एंड माय था कि बॉडी बफ, ऑरा बफ, तीन तरह का बफ होता है शायद. कभी यूज नहीं कर सकता. Actually takes so much time to do. I don't think Radagon will give me time to we
The broken shit ever. Best threads are the best weapon, man. Best fucking weapon. So here we will get to decide what to do, because now we have like so many. We can summon Rani. If I touch, you can see mend the Elden Ring. Use the mending rune of Perfect Order. Use the mending rune of Death Prince. Use the mending rune of Fel Curse. So we are not doing this Fel Curse. We are not doing that Prince. Fel Curse is, I think, the Dung Eater. Death Prince is Malekith's ending, that Destined Death. Perfect Order is some other ending. I don't know about this. Elden Ring is just the normal ending. And what we are going to do is, we are going to summon Rani here. Okay, first we are going to touch the Grace. Okay, it took like an hour, but we did it, right? So I would like to say this is it for the game. We are going to summon Rani here, because this is going to give us another ending, that is Age of Stars and something else, I don't remember. So this is considered a good ending. The other five endings, it's considered moderate compared to this ending. The battle is over, I see. Yeah, finally the battle is over. I was just getting... agitated, man. I was so fucking agitated with his... with Radagon's attack. Radagon is pretty much... the powerful one here, because as you said, as you saw, that pest threat incantation is so powerful, it can take down Elden Beast without any difficulty, without facing any difficulty. So I do solemnly swear to every living being and every living soul, now cometh the Age of the Stars. Age of the Stars, yeah. That's the ending I... a thousand-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. The happiness you get solo, doing your boss solo, that can't be matched with mimic tear and summons. Well then, shall we? So next, in the next video, we are going to the Mogwin Palace again, and my fair consort eternal. We'll start the DLC from there. This is it, guys. Thank you guys for watching. Stay tuned for more, and don't forget to subscribe. Back with more exciting videos, and then stay tuned. And have a good day, guys. Oh, what the fuck! Journey 2, I would say. So yeah. Arey, yaar, to use nahi karta. Bhai, sach mein yaar, bahut zyada broken hai.
Thread is like the best incantation up close. That is like fucking. The bigger the target, the more the damage. Don't worry, I'm going to upgrade. I'm not going to lose this 5 lakhs. So, हम लोगों जाना है इधर नीडल लाइट लेडा के इधर एंड विल हैव टू स्टार्ट जस्ट बाय टचिंग दिस हैंड हियर यू कैन सी टच विद द आर्म एंड विल गो टू द शैडो ऑफ द ट्री लोकेशन सो बाय गाइस हैव अ गुड डे सी यू सून टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ओनली दैट keeps me entertained. So yeah, bye.